Dear students, we are going to discuss straight line method of depreciation. Depreciation और इसका method है straight line method. इसका simple formula यह है कि annual depreciation is equals to cost minus salvage value upon life. Cost minus salvage value upon life. अब देखें, अगर किसी भी इक्विपमेंट, मशीनरी और या फर्नीचर की हमें कॉस्ट दी गई है 50,000 और सालवेज वैल्यू दी गई है 5,000 और लाइफ दी गई है 9 years. Salvage value का मतलब है कि वो value जब मशीन हमारे काम की ना रहे और हम उसको बेचें तो हमें कितना मिले, उसको कहा जाता है salvage value. Salvage value को हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं. क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं. और इसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं. ये वो वैल्यू है जो जब हमारी मशीन अपनी लाइफ पूरी कर ले, हमारा फर्नीचर अपनी लाइफ पूरी करे या हमारा इक्विपमेंट या कोई भी हमारी जो है जो मशीन है या फिक्स्ड एसेट है कोई भी, विदाउट लैंड, लैंड के अलावा कोई भी फिक्स्ड एसेट है जो हमारी लाइफ कंप्लीट कर चुकी हो और अब हमारे काम की न रहे और उसको बेचें तो कितना मिले, उसको कहते हैं सालवेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू. अब एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स cost minus salvage value upon life. Annual depreciation is equals to 50,000 minus 5,000 upon 9. Annual depreciation is equals to 45,000 upon 9. Annual depreciation
is equals to 5000. अब जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री होगी या क्लोजिंग एंट्री होगी वो इसी अमाउंट से होगी। ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट 5000 अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5000। यहां नरेशन में लिखेंगे अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्टेड। और क्लोजिंग एंट्री होगी इसकी इनकम समरी डेबिट फाइव थाउजेंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्रेडिट 5000। नरेशन में लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज्ड। ये आपकी क्लोजिंग एंट्री है और ये ऊपर वाली एडजस्टिंग एंट्री है। ठीक है, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करें कि ये मशीन आपने जनवरी 1 को खरीदी है और आपका फाइनेंशियल पीरियड दिसंबर 31 को खत्म हो रहा है, तो उस सूरत में तो ये एडजस्टिंग एंट्री सही है इस अमाउंट से। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हमने जो मशीन खरीदी है वो खरीदी है अप्रैल 1 2008 को। जब अप्रैल 1 2008 को खरीदी है तो जो दिसंबर 31 2008 की एंट्री होगी वो इस तरह से होगी कि एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स 50,000 माइनस 5,000 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय, देखिए अप्रैल 1 को खरीदी है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स। हमने दिसंबर 31 तक 9 महीने मशीन यूज की है तो
तो 9/12। अब एनुअल डेप्रिसिएशन 45,000 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 9/12। 9 × 9 ये 5,000 हो गया। अब एनुअल डेप्रिसिएशन 45,000 अपॉन 12, 12 × 3 इसको छोटा करके भी आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर से तो आसान होगा। आपका 3 × 3 = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। आप डायरेक्ट भी 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 3,750। तो अब जो हमारी इंट्रीज होंगी वो होंगी डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस डेबिट 3,750, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन 3,750, और क्लोजिंग एंट्री होगी इनकम समरी डेबिट 3,750, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्रेडिट 3,750। अब जो हमें अगर इसका शेड्यूल मांगे तो भी आप बना सकते हैं, उसमें आपसे क्या क्या चीजें मांग सकता है। ईयर, कॉस्ट, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू एट एंड। वेरी सिंपल, आपने सपोज करें कि 2008 में मशीन खरीदी थी, उसकी कॉस्ट उस वक्त 50,000 थी, लाजमी है पहले साल बुक वैल्यू भी 50,000 होगी। पहले साल आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 3,750 निकाल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 3,750। अब 50,000 में से 3,750 माइनस करेंगे
तो जो बचेगा वो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर हो जाएगा। ₹46,250। दिसंबर 2009 को कॉस्ट वही रहेगी, बुक वैल्यू जो एंड वाली थी वो अब स्टार्ट वाली हो जाएगी। अब जो डेप्रिसिएशन हर साल चलेगी वो 5,000 चलेगी, क्योंकि अब पूरे साल की है, पहले साल 9 महीने की थी। उसके बाद इसमें से 46,000 में से 5,000 माइनस करेंगे इसी तरह से माइनस करते जाएंगे 41,250। अब ये दोनों प्लस करके रखेंगे ₹8,750। अब 2010 में कॉस्ट वही 50,000 और बुक वैल्यू 41,250। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 5,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13,750, 41,250 में से हम 5,000 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36,250। इसी तरह से 2011 कॉस्ट वही 50,000, आपकी बुक वैल्यू 36,250। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, आप हमेशा 5,000 5,000 लेते रहेंगे। अब ये हो जाएगा 18,750 और 36,250 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 31,250। इसी तरह से चलते चलते आप 9 ईयर्स का शेड्यूल बना सकते हैं और सारी चीज रिपीट होती रहेगी। ठीक है, खुदा हाफिज़।